सुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई, जो सुख में सुमिरन करे दुख काहे को होए। आइए सूर्य की पहली किरण को उमंग और उम्मीद की किरण में बदलें। शुरू करें भोर भक्ति मेरे यानी विशाल करवल के साथ। भोर भक्ति में आप सबका स्वागत है। आज जानेंगे आरती का महत्व। भगवान से भक्त की अंतर मन से की गई करुण पुकार है आरती। दीपक जलाकर ईश्वर की मूर्ति के चारों ओर या कभी कभी सर्वव्यापी अदृश्य प्रभु को लक्ष्य करके दीप दिखाकर उससे अपने दुख करुणा और व्यथा प्रकट करने का सबसे सरल माध्यम है आरती। जब कष्टों से निवृत्ति का और कोई उपाय नहीं रह जाता तब भक्त के पास आरती का ही एक सहारा रह जाता है। आरती करके आराध्य को प्रसन्न करते हैं भक्त। आरती की महिमा ऐसी है कि यदि वह शुद्ध मन से की जाए तो प्रभु कभी भी कृपा से इंकार नहीं करता। आरती का मूल भाव होता है कि हे प्रभु, मेरा मन आपका हुआ, मेरा दुख आपका हुआ, सो हे देव, मेरी आरती स्वीकारो, स्वीकारो मेरी प्रार्थना। आरती में कहना पड़ता है कि हे प्रभु, मेरे कष्टों का अंत कर, मुझे जगत के भंवर जाल से उबारो, कृपा निधान मैं आपकी शरण में हूं। आरती का अंत है प्रभु की शरणागति। बिना आरती के कोई भी यज्ञ, हवन, पूजा, पाठ, उपासना संपूर्ण नहीं होता। इसलिए हर यज्ञ, उपासना, पूजा, हवन, अनुष्ठान की पूर्ति के लिए हम आरती करते हैं। भक्ति में अंक एक की महिमा सबसे अधिक कही गई है। ओंकार एक है, आत्मा सदैव अकेली रहती है, वह प्रभु के साथ जुड़ भी जाए तब भी एक ही हो जाती है। सत्य यही है कि प्रत्येक जीव अकेला आता है और अकेला जाता है, यही ब्रह्म नियम है। और वो ब्रह्म भी तो सदैव अकेला ही रहता है। कितना अजीब लगता है कि ये धरती अकेली है और चंद्र सूर्य भी, और सबके सब उस एक ही भगवान का स्मरण करते रहते हैं। दिन रात पल पल एक उस प्रभु का ही अनहद नाद गूंजता रहता है। सच्चा भक्त भी यही करता है, वो एकमात्र उस प्रभु का नाम जपता रहता है। यह क्रिया जाने अनजाने हर भक्त करता है, क्योंकि हर एक आत्मा उसी ब्रह्म का अंश होती है और उसे लौट कर फिर उसी ब्रह्म में मिल जाना होता है। तो जब तक अपने मूल से अलग हो भक्तों, उसका स्मरण तो करते रहो, उसे भजते तो रहो। भक्त और भगवान के बीच अंक क्रम तीन का बहुत महत्व होता है। दैहिक, दैविक और सांसारिक, इन तीनों तापों से भक्त को भगवान ही बचाता है। घोर, परम और मलिन, इन तीनों अंधकारों में भी वही भगवान ही भक्त की रक्षा करता है। भूत, भविष्य, वर्तमान, इन तीनों कालों में एक वह भगवान ही भक्त का परिपालक और विधाता होता है। उस प्रभु के कृपा के कारण ही भक्त, गुरु, पितृ और यज्ञ, इन तीनों महान ऋणों से मुक्त हो पाता है। मन, वाणी और कर्म, इन तीनों उपायों से जब प्रभु का भजन, चिंतन और स्मरण किया जाता है तब वह प्रभु अपने भक्त पर रीझता ही है। और एक बार जब रीझ जाता है तो अपनी महादृष्टि का स्नेह प्रकाश भक्त पर लगातार बरसाता रहता है। वह एक परमेश्वर भक्ति के द्वारा अपने सत्यम, शिवम, सुंदरम रूप का आभास अपने भक्त को करवाता रहता है। तो विलंब क्यों, जागिए और उसकी भक्ति का आरंभ कीजिए। वैसे तो संत मुनि, ज्ञानी ध्यानी जन ये कहते हैं कि सारा संसार ही अपना घर परिवार है, वसुदेव कुटुंबकम। भक्त जन इसी को सत्य मानते भी हैं और दिन रात घर की चक्की में जी जान से जुटे रहते हैं। वह करें भी तो क्या, मुनियों के उपदेश को मानना और उस पर अमल करना, इसमें ही भलाई छिपी होती है। देवताओं और ऋषियों की वाणी बेकार नहीं जाती। संत वचन अनुसरही सुजाना, नचु संशय सदैव खाना। अर्थात संतों के वचन पर सज्जन लोग संदेह नहीं किया करते। क्या यह संसार ही हमारा घर परिवार है? सत्य तो दोनों लोक हैं। जब तक जीवन है संसार ही घर है, किंतु जीवन के बाद का भी एक जीवन होता है जिसे संपराय कहते हैं। संपराय यानी थोड़ी देर की सराय। तो इस पृथ्वी लोक की सराय में रहते हुए कभी कभी पराय जगत की संपराय का भी चिंतन कर लेना चाहिए। संत कवि इस बात का भी तो निर्देश देते रहते हैं। भक्ति भरे मन में शक्ति, जब सभी हाथ छुड़ाकर
साथ छोड़कर दूर हो जाते हैं, तब भी एक वो परमात्मा ईश्वर प्रभु हाथ नहीं छोड़ता। उसकी कृपा दया की छाया बनी रहती है। भक्त उसे एक प्रभु अल्लाह मालिक को कभी भी याद कर लेता है, उसकी सहायता कृपा पा लेता है। इसके बदले कुछ देना नहीं होता, केवल मन की भावना और सच्चाई ही समर्पित करनी पड़ती है। ना किसी मंदिर मस्जिद जाना पड़ता है, ना किसी गिरिजा गुरुद्वारे। सच्चे मन वालों से दूर कहां रह पाता है वह प्रभु। कैसी विपदा की घड़ी क्यों ना हो, वो एक प्रभु निर्बल का बल बनकर सामने आ ही जाता है। भक्त किसी भी तरह पुकारे, भगवान सुनता ही है और बिना देर किए अपना काम करता है। एक वही है जो भक्त की भावना को देखता है, ना कि उसके जाति धर्म को। वो देखता है केवल मन के मर्म को, और जब मर्म में पवित्रता हो तो क्या काशी क्या काबा, सब भक्त के करीब आ जाते हैं। अंधकार मन में हो या बाहर, घर में हो या संसार में, रास्ते सबके खो जाते हैं। जब बाड़े अंधियार सूजी परे नहीं द्वार, अर्थात जब अंधकार बढ़ जाता है तब द्वार नहीं दिखता, तो क्या बाहर निकलने के लिए द्वार नहीं मिलेगा? क्या किसी को एक प्रकाश की किरण प्राप्ति के लिए अनंत काल तक बैठे रहना होगा? कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई वस्तु यदि हमारे पास नहीं होती तो हम उसे दूसरों से मांग लेते हैं। कुछ दिन के लिए काम हो जाने के बाद हम उस वस्तु को खुद अपने लिए अपनी मेहनत से प्राप्त करते हैं, और जिसे मांगा होता है उसे धन्यवाद के साथ वापस कर देते हैं। ये धन्यवाद ही उस वस्तु के बदले दिया गया ब्याज होता है। जब कोई भटक कर अधर्म के अंधकार में खो जाता है, तब भक्तों का कर्तव्य होता है कि उसे थोड़ा सा अपनी भक्ति और ज्ञान का प्रकाश देकर अंधकार से बाहर निकलने का द्वार दिखाएं। उसके मन में बुझ गए ज्ञान दीप को अपने ज्ञान की ज्योति से जलाएं। संसार का सबसे अनमोल धन और खजाना है भगवान की भक्ति, लेकिन लोग उस खजाने को ना खोज कर सांसारिक धन पाने की होड़ में पड़े रहते हैं। लोगों के मन में धन की कामना ऐसे घर कर जाती है कि वह प्रभु और उनके खजाने को भी भूल जाते हैं। सांसारिक धन का अपना महत्व है, उसका होना भी आवश्यक है, लेकिन धन के प्रकाश में चकाचौंध होकर प्रभु और उनकी भक्ति को अनदेखा कर देना भी उचित नहीं। धन का चिंतन करें किंतु भक्ति के साथ, कमाएं खूब किंतु प्रभु भक्ति का धन भी जुटाते रहें। जो व्यक्ति केवल धन के लिए जीवित रहता है, उस धन को केवल अपने लिए ही काम में लाता है, ना दान करता है ना पुण्य करता है, केवल धन संचय करते जाता है, उसके जीवन पर प्रभु को कभी गर्व नहीं होता। ध्यान रहे, भगवान तो अपने उन बंदों से ही प्यार करते हैं जो दूसरों के कल्याण की सोचते हैं। लोगों के मन में धन की कामना ऐसे घर कर जाती है कि वह प्रभु और उनके खजाने को भी भूल जाते हैं। सांसारिक धन का अपना महत्व है, उसका होना भी जीवन में आवश्यक है, लेकिन धन के प्रकाश में चकाचौंध होकर प्रभु और उनकी भक्ति को अनदेखा कर देना उचित नहीं। धन का चिंतन करें किंतु भक्ति के साथ, कमाएं खूब किंतु प्रभु भक्ति का धन भी जुटाते रहें। जो व्यक्ति केवल धन के लिए जीवित रहता है, उस धन को केवल अपने लिए ही काम में लाता है, न दान करता है न पुण्य करता है, केवल धन संचय करते जाता है, उसके जीवन पर प्रभु को कभी गर्व नहीं होता। ध्यान रहे, भगवान तो अपने उन बंदों से ही प्यार करता है जो दूसरों के कल्याण के बारे में सोचते हैं। भक्त की भावना, भक्ति और साधना, भोर भक्ति, संस्कार से संस्कृति तक। संस्कार और संस्कृति की भक्ति यात्रा का मूल साधन है भगवान और भक्त का संबंध। हम जीवन के राग विराग में पढ़कर लगातार अपने भगवान और संस्कारों से दूर होते जा रहे हैं। ये एक विचारणीय बिंदु है। बिग मैजिक का यह मानना है कि आस्था की शक्ति हमारे जीवन में संजीवनी बूटी की तरह काम करती है। श्रद्धा हमें सच्चाई का पथ दिखाती है, और यदि हम कभी भटक भी जाएं, तो वह हमें सही और गलत का भेद बताती है, हर अंधकार से बाहर निकलने का मार्ग दिखाती है। किंतु जीवन चाहे कितना भी कठिन क्यों ना हो, यदि हमारे पास आस्था और संस्कार की शक्ति हो तो हम अपने जीवन को सार्थक और सुंदर बना ही लेते हैं। भक्ति की शक्ति हो तो मनुष्य हर समस्या से मुक्ति पा ही लेता है, भोर जीवन की हो या दिन की। यदि मनुष्य भक्तिमय हो तो उसे प्रभु का पावन प्रकाश प्राप्त होता ही है, जीवन और भोर मंगलमय हो ही जाता है। आज के समय में हर पल
हर दिन को भक्ति और विचार से भरने की आवश्यकता है। इसलिए हम प्रतिदिन आते रहेंगे, आप तक भक्ति भाव की संजीवनी बूटी पहुंचाते रहेंगे। प्रभु से मांगने और पाने के अपने अपने तरीके होते हैं। कुछ लोग प्रभु से धन की कामना प्रकट करते हैं, कुछ लोग पुत्र, कुछ पद तो कुछ राज्य। जिसके पास जो नहीं होता वो उसी की याचना लेकर प्रभु के सामने फरियाद करता है। और प्रभु की भी महिमा देखिए, वो देर सवेर सबकी कामना पूरी करते जरूर है। ऐसी कोई फरियाद नहीं जो प्रभु ना सुने, ऐसी कोई कामना नहीं जो प्रभु की शक्ति से बाहर। किंतु फिर भी कुछ लोग प्रभु से केवल उनकी भक्ति मांगते हैं, क्योंकि यदि प्रभु की भक्ति मिल जाए तो संसार में पाने के लिए और रहता क्या है। प्रभु की भक्ति फलदायिनी होती है, इसे निर्लोभ भक्ति कहते हैं। ना मांगने वाला भक्त निर्लोभ भक्त कहलाता है, और उसे प्रभु मांगने वाले भक्त से कहीं अधिक ज्यादा देते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि उनका भक्त वास्तव में चाहता क्या है। कभी निर्लोभ भक्ति आजमा कर देखें। भगवान से किसी के मन की बात छुपती नहीं, उस एक ईश्वर की दृष्टि पत्थर के भीतर छिपे हीरे को भी देख लेती है। ये संसार के सातों लोकों और 14 भुवनों को एक साथ देखता है, इसलिए उसकी दृष्टि को महादृष्टि या विश्व दृष्टि भी कहते हैं, इसलिए वह अंतर्यामी भी कहलाता है। प्रभु के खोट कपट का खेल कोई भी नहीं खेल सकता, इसलिए ही प्रभु अपने उन बंदों को बहुत प्रेम करते हैं जो कि अपने मन की कमियों को देखता है और परखता है, जो अपने अंतर में झांक कर ये देखता है कि उसके मन में मलिनता की कितनी राख भरी है और सुंदरता के कितने फूल खिले हैं। ऐसे भक्त मन के निर्मल होते हैं, वह केवल प्रभु से ही नहीं बल्कि सबसे अपने अपराध अपनी भूल को स्वीकार करके शांत ढंग से जीवन व्यतीत करते हैं। ऐसे निर्मल विमल चित्त से की गई भक्ति विमला भक्ति कहलाती है। विमल भक्ति का मूल मंत्र है लगातार आत्मचिंतन और आत्मनिरीक्षण। अपने मन में झांक कर देखते रहे कहीं बुराई वहां तो नहीं बस रही ना। जब समाज और राज्य व्यवस्था निर्बल को दंड और सबल की सहायता करने लगती, जब न्याय और इंसाफ का पतन हो जाता है, समाज चौतरफा गर्द में डूब जाता है, या कहें कि अंधा बहरा गूंगा हो जाता है और कमजोर की तकलीफ देखना बंद कर देता है, जब विचारों के नाम पर बुराई को देखना सुनना और उसके खिलाफ बोलना तक रोक दिया जाता है, तब निर्बल भक्त कहां जाए? क्या वह घुटता रहे या अपने परम संरक्षक प्रभु दीन बंधु को अपनी शक्ति बनाए, उनकी शरण में जाए? क्योंकि वह जगत पिता परमात्मा हर भक्त की शक्ति बनता है। वो तकलीफ में पड़े अपने कमजोर से कमजोर भक्त को दिशा दिखाता है, उसकी सहायता करके अपनी परम सत्ता सिद्ध करता है। तभी तो उसे दिशानाथ परमात्मा कहते हैं। वह अपने भक्त की डूबती नाव को मंझधार से पार ले जाता है, कभी कभी तो डूबी हुई नाव को भी पार लगाता है, वह तारता है। तभी तो वह जगत का तारनहार है। भगवान पर भरोसा रखकर कर्म कीजिए, आप कभी असफल नहीं होंगे। आजमा कर देखिए। भक्त और भगवान का संबंध अनोखा और महान होता है। भगवान एक साथ ही भक्त का पिता, माता, भाई, सखा सब कुछ होता है। जब भक्त का मन विषाद और दुख से भरा हो, हाथ में केवल असफलता ही आ रही हो, संघर्ष करते करते मन पस्त हो रहा हो, भाग्य साथ न दे रहा हो, कर्म पूर्ण न हो रहा हो, ऐसे में तो घर परिवार संबंधी समाज सब उपहास करने लगते हैं। लेकिन एक वो ईश्वरी है जो अपने भक्तों पर कभी नहीं हंसता। एक वही है जो भक्तों की असफलता और खराब स्थिति पर भी कभी खुश नहीं होता। तभी तो भक्त उस एक ईश्वर के सामने अपनी हर असफलता का रोना रो देता है। वैसे भक्त और भगवान के मध्य कोई पर्दा तो नहीं होता, ये प्रभु की प्रभुताई ही है कि वह भक्त की हर दुर्बलता और असफलता को अपनी असफलता मान लेता है। तो भगवान से अपने हर दुख की विनती कर लेनी चाहिए। इस विनय भक्ति को जरूर अपनाए, जीवन को सार्थक बनाए। प्रभु का रंग कैसा है, प्रभु का रूप कैसा है, क्या बताने गोरे हैं या सांवले, प्रभु बड़े हैं या छोटे, प्रभु के नेत्र कैसे कितने हैं, भक्त इन सब की संकल्पना सदैव अपने अनुसार ही करता है। और प्रभु की भी लीला देखिए, कभी वह राजा के बेटे के रूप में जन्म लेते हैं,
और पिता के वचन को निभाने के लिए 14 वर्ष का वनवास भोगते हैं। कभी वह वामन के रूप में प्रकट होते हैं तो कभी सूली पर टंग जाते हैं, कभी बांसुरी बजाते हुए गाय को चराते हैं, कभी काबे में रहते हैं तो कभी काशी या कैलाश में, कभी उनके माथे पे नेत्र होते हैं तो कभी उनके शीश अनेक होते हैं। भक्तों की रोचक मान्यता है कि देवता 33 करोड़ है। यही प्रभु का ऐश्वर्य है। ईश्वर की महिमा बड़ी अनोखी है कि वह अपने भक्तों को अपने किसी भी बंधन में कभी नहीं डालते। ये भक्तों की भावना है कि वह अपने आराध्य प्रभु को किस रंग रूप में कल्पित अंकित करे। आप जैसा सोचते हैं वैसा हो भी जाते हैं, वो वैसा ही रंग रूप आकार अपने प्रभु को भी देते हैं। आजमा कर देखिए। भक्त की जो मनोकामनाएं होती हैं भगवान उन्हें पूरी करता है। भक्त की सभी अपेक्षाओं उम्मीदों पर भगवान खरा उतरता है। किंतु क्या भगवान की भी भक्त से कोई अपेक्षा होती है? क्या भगवान अपने भक्त से कुछ खास चाहता है? क्या वह भक्त से कुछ मांगता है, कोई इच्छा पूरी करने को कहता है? हाँ, भगवान की भक्त से एक ही अपेक्षा और उम्मीद होती है, एक ही कामना होती है कि उसका भक्त उदार रहे। भगवान तो अपने भक्तों से लड्डू मिठाई नहीं चाहते, वो तो भक्तों में अपनी करुणा और प्रेम शांति देखने का भूखा होता है। भक्त की भगवान से जो भी आशा होती है वह भी भक्तों का ही कल्याण करती है। वह कभी अपने भक्तों से नहीं कहता कि मेरे लिए यज्ञ करो, मंदिर बनाओ, मस्जिद तामिर करो। वह तो भक्तों को यहां तक मुक्त रखता है कि मानो तो देव नहीं तो पत्थर। लोग सारी दया करुणा और उदारता की अपेक्षा दूसरों से करते हैं। एक बार तो अपने प्रभु के मन की करें, जो प्रभु के मन को भाए वह करके दिखलाए। आपका दिन और जीवन सफल होगा, आजमा कर देखिए। कल मिलते हैं एक नई प्रार्थना के साथ और जानेंगे कि क्यों करते हैं हर पूजा, उपासना, यज्ञ, हवन के बाद प्रभु की आरती।